अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैरोडी पंच में बहुत बहुत खुश आमदीद। पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की टॉप नॉच एक्ट्रेस मायरा खान की डमी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। कुछ दिन पहले एक छोटे से वाक़े से अच्छी खासी मीडिया फ्रेंजी हाइप क्रिएट हुई, विच आई बिलीव इज स्टिल गोइंग ऑन। तो आइए उसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मायरा खान साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मायरा खान साहिबा, ये बताइए कि रणबीर कपूर के साथ ये क्लोज इनकाउंटर्स वाली क्या बात थी? जी एक्चुअली और जनाब एचकुली एक मिनट सबर करो, हुजूर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੂ ਨੈਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਤਾਈਏ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਾਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਮਾਰੀ ਆ की जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली ये खातून है, इनको कमेटी की क्या जरूरत पड़ गई भाई? और जुनेद भाईजान बादशाह आदमी हो तुसी भी, पैसे वाले नु पैसे दी लोड़ हुंदी है। अच्छा, इन्हां नु अपने काके दी मेंटेनेंस लिए पैसे दी लोड़ थी। अगे ईद आ रही थी, ओदे को कपड़े छपड़े, कोई डायपर शाइपर, कोई निजाम, कोई मोहल्लेदारों नु, कोई रिश्तेदारों नु ईदियां शीदियां देने दा प्रॉब्लम हुंदी है, समझिया करो। अच्छा, तो गोया ये एक बड़ा पर्सनल सी चीज थी, लेकिन देखें लोगों ने कैसे बात का बदंगड़ बना लिया, यानी कुछ भी नहीं था। कोई चक्कर नहीं, बहुत भली मानस कुड़ी ही है और दुनियादार ही है, दुनियादारी जानती है, मर्दा लोगों काम कर दी है दुनिया से आगे। चले सही, मैं अली अजमत नु सलाम करना। चले बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा एक स्टांस आपने लिया इस बात पे कि जिस चीज पे पूरी दुनिया के मीडिया ने इनको बदनाम किया हुआ है, आपने वो असल हकीकत बयान की है। जी मैं क्या, मैं अली अजमत नु सलाम कर, काकी एक वालेकुम भी कही दे। चले जनाब, आप वो मेरा ख्याल है बड़े गुस्से में, या गुस्से में नहीं, वो हैरानगी में ज्यादा है, आपकी तरफ बड़ा हैरानगी से देख रही है कि जनाब बैकलेस शर्ट इशू इज नो इशू। कार्डलेस फोन हो सकता है, हो सकता है। बोनलेस गोश्त हो सकता है, हो सकता है। ट्यूबलेस टायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बैकलेस शर्ट क्यों नहीं हो सकती? चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई कि वो भी हो सकती है। और बिल्कुल हो सकती है जनाब, तुम जिस चीज से इन्हें मुतनाज़ा कर रहे हो, ऐसे होते इन्हें बड़ी लड़ाई हुई है अपने दर्जी के नाल। हाँ, दर्जी के साथ जी। क्या दर्जी के नाल इन्हें बड़ी झगड़ा होया, उन्हें कहा जनाब कपड़ा घट है। इन्हें कहा मैं कहना जनाब कोई मसला नहीं, तुम मेरे नाल हाथ चला की नहीं करनी। अच्छा नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मारने लगी है वो? मैं तुसी देख रहे हो तैयारियां फड़न रही हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा चले, बोले 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 गुस्से एडी दूर रदिया दूर ताला। हाँ चले बोले। जनाब दर्जी के नाल इन्हों का झगड़ा चल रहा है कपड़े तो, ठीक है। दर्जी ने कहा बीबी है तो इन्ना की कपड़ा है कि जिद मैं ज्यादा तो ज्यादा, अगर बहुत भी मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर हो तो मैं बच्चे का कच्छा सी सकना, तो या फिर नहीं यार। ठीक है ठीक है ठीक है, ओ भाई ओ भाई, ये देखो देखो बस, ठीक है ठीक है। चले जी, सिगरेट वाली क्या बात थी जी? जनाब सिगरेट का इल्जाम ना लाओ, मासूम बची है, ये अध्यापियां करो। क्या मतलब? सिगरेट नु इस औरत ने कभी जिंदगी हाथ भी उंगल भी नहीं लाई। अच्छा, क्या मतलब ये सिगरेट नहीं पी रही? ना बिल्कुल कर अन नहीं, फिर कोई चर्स पी रही थी। चर्स पी रही थी। अच्छा मायरा खान साहिबा, ये क्या कह रहे हैं? देखिए जुनेद साहब, ये क्या आपने बंदा बिठाया हुआ है? कब से मैं देखी जा रही इसको बक 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 किए जा रहा है ये। ले बक 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 करने लगा, मोरा जियारा डरने लगा। अच्छा मेरी बात सुने, आप जानते हैं इनको? यार ये बहुत बड़ी एक फनकारा है हमारे मुल्क। और जनाब मैं सेलिब्रिटी है, जनाब मैं पता है बहुत बड़ी आर्टिस्ट है ये, इतनी बड़ी एक्टर है ये, इन्हें एक फिल्म दे विच ना लाश का करैक्टर मिले। लाश का? ते कहंदी मेरा डायलॉग ही है। मेरा डायलॉग ही है? डायलॉग ही। अच्छा यार बिलू एक मिनट, अब हम इनसे ना एक संजीदा नौयत का सवाल पूछते हैं। जी मायरा खान साहब, ये बताइए कि क्या आजकल कौन सी फिल्में चल रही हैं आपकी? जी मैं ओ यार तुसी फेर मेरे होंदे इन्हां नूं सवाल करी जा रहे हो। यार बिलू ये इंटरव्यू हम उनका कर रहे हैं, सवाल उनसे पूछना है, जवाब तुम दिए जा रहे हो। तो जेड़ा एथे इल्म दा समंदर तुकियानियां मार रहे हैं वो किथे जाना है? चलें आप बता दें, ये सवाल का जवाब भी आप दे दें। इन्हां दा जनाब एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है ना भी, अब के चड़स, अब के चड़स। ओ हो, बड़ी स्क्रीन ते डन डन डन। एक ना दी चिगवेरा दे भरा दे नाल फिल्म आ रही है। अच्छा चिगवेरा का भाई कौन? हां जी चरसवेरा, चरसवेरा जी, उना दे नाल आ रही है
ਗੰਭੀਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟ 4 ਗੰਭੀਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈ ਸਿੰਗਰ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਅਪਾਚੀ ਸਹੀ 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 ਚੁਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੋ ਬਤਾਏ ਜੀ ਜੀ ये साहब हैं कौन इनका नाम क्या है ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बड़े सेलिब्रिटी हैं दानिश्वर हैं इनका नाम है बिल्लू बेजार यार मैं तुम्हें नहीं जानती झुमका गिरा रे बिल्लू के बाजार में बिल्लू बेजार जी जी लख दी लानत ताडे ते Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.